हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सो गाइस, आज इस ब्लॉग में बहुत सवालों का जवाब रहेगा, आप लोग को मिलेगा। बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। स्किप कर देंगे तो आपको ब्लॉग समझ में नहीं आएगा। अंत तक देखिएगा, जो है सब कुछ इस ब्लॉग में बताया जाएगा, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारे साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, हम बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने मंगाया था वॉलपेपर, दीवारों पर वॉलपेपर लगा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग फैमिली, आप सभी का स्वागत करते हैं वंदना एंड किट्टो ब्लॉग्स पे। और वंदना जी सुबह सुबह देखिए किचन में लग गई हुई हैं। आज है जो भैया दूज का दिन है, और दिल्ली में जो है कल ही मनाया गया था। आज भी मनाया जा रहा है, इस बार नहीं, आज भी दिल्ली में तो कल ही लोग मना रहे थे, देखा मैंने। दिल्ली में सारे लोग कल नहीं मनाए थे। तो दीदी का फोन आया था, वो बोल रही थी कि हम लोग तो यहाँ इलाहाबाद में आज मनाया जा रहा है, तभी तो सोचे दीदी का फोन क्यों नहीं आया कल। और क्या बना रही थी, इडली बना रही हूँ क्या? उस दिन जो दाल भी हुए थे ना, दाल रख दिए थे। अच्छा, और थोड़ा चावल डाल के। उड़द की दाल है? उड़द की दाल और चावल है। उड़द की दाल और चावल। और इसको हम थोड़ा सा रख देंगे खमीर उठने के लिए। क्या करने के लिए? खमीर उठने के लिए। खमीर क्या होता है आप नहीं जानोगे? खमीर उड़द की दाल और चावल का ज्यादा नहीं बना गए ना, दाल थोड़ा सा था बस। उस दिन बनाए थे जो कढ़ी, तो बच गया था, उठा के रख दिए थे। तो रात को चावल भिगो के रख दिए थे, फिर उसके बाद दोनों साथ में पीस लिए हैं। थोड़ा उसमें नमक डाल देते हैं, और एक इनो मंगा दीजिए, इनो डाल के रख देते हैं। फिर मंगा दीजिए कि लेते आइए? वही मंगा दीजिए। अरे मंगा दीजिए, कौन लेके आने वाला है? सुना अच्छी से बोलते जा रहे हैं लेके आएंगे ना। तो चलिए, तब तक इडली की बनने की तैयारी कर रही हैं, और मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिएगा ब्लॉग पे। नाश्ता करके होगा, नाश्ता करके कुछ तो होगा, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. तो सो गाइस, यहाँ पर सोनाक्षी, अरे पूजा नहीं करती है तो, लेकिन मिठाई पिछले साल भी खिलाई थी, इस साल भी खिलाई थी, जो यहाँ समझ में नहीं आता है कैसे किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं अपना रोरी, दिया, मिठाई, पानी सब रख रही हैं। ऋषभ को खिलाएंगी मिठाई, और नए कपड़े हम लोग नहीं पहन सकते हैं क्योंकि मेरे पतिदेव के ब्लॉग बता दिए हैं, घर में माँ जी हैं, तो इसलिए हम लोग नए कपड़े भी नहीं पहन कर सकते। माँ जी, कौन माँ जी? कोई बात नहीं। तो गाइस चलो उतार, पूरा टीका लगा दो सोनाक्षी। इधर देखो ऋषभ, इधर देखो, इधर देखो दोनों लोग। हाँ ठीक है, अब आरती उतार लो। भैया मेरे बाबू ऊपर चेहरा करो। अरे ऋषभ, ऋषभ देखो कुछ त्योहार जल्दी नहीं मिला। अबे हम फिर सोच लेना, फिर ड्रेस वापस कर देंगे। अच्छे से बैठो, अच्छे बच्चों की तरह देखो ऐसे। अरे नहीं ऋषभ, चलो अब मिठाई खिला दो। नहीं गंदी बात, जिससे बहुत सारा आरती करता है, थोड़ा सा सीख लो ना। नहीं खाते, और मंगाए थे रस मलाई, नहीं मिला तो पापा ये ला दिए, खा लो फिर। अरे पानी पिला दो, रुको। यहाँ देख सकते हैं गाइस, ये भैया दूज का मिठाई खिलाते हैं, लेकिन गांव में दूसरे तरीके से क्या क्या होता है। कल छोटा छोटा मटकी की तरह होता है, उसमें लाई चूड़ा गट्टा भरो, मिठाई खिलाओ। तो सोनाक्षी अभी ऐसे खिला कर रही है, जब ये बड़ी हो जाएगी तब अपना अच्छे से पूजा पाठ करेगी। तो चलो ऋषभ, दीदी का पैर छुओ, दीदी का पैर छुओ, चलो। ऐसे लग रहा है फिर से रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की तरह होता ही है। ऋषभ का पैर छुओ दीदी का, सोनाक्षी कैसे बैठ गए, पैर छुलो। देखो बेटा वीडियो बन रहा है, सब लोग क्या सोचेंगे ऋषभ कितना गंदा है, ऐसे पैर छुलो। अच्छा गले मिल जाओ, पैर नहीं छो गले मिल। ये क्या है, देखो हम कैमरा चालू किए हैं। ये हो गई मजाक वाली, भैया दूज ऋषभ बच्चा छोटा है ना। तो चलिए गाइस, ये रहा इन लोग का वीडियो मजाक से। अब अच्छा अपने हाथ से खिलाएगा दीदी को क्या? नहीं तो सोनाक्षी का पूजा हो गया, भैया तुझ मनाया गया, ऐसे ही बना रहे भाई बहन का प्यार। चलिए गाइस मिलते हैं, हम सब्जी काट रहे हैं।
अब हम लोग सादा ही खाना खा सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाया जाए क्या खाया जाए। बच्चे भी परेशान हो जा रहे हैं। गोभी का भुजिया ही बनाएंगे, आलू के भुजिया बनाएंगे। आलू अच्छा नहीं लगता इसके साथ गोभी। कल भी तो खाए थे, कल भी बना था, आज भी बनाया, यही सब्जी तो यही बनेगा और क्या बनेगा। अच्छा गोभी नहीं रहता तो क्या, सादा तो खाना ही है चाहे जैसे भी। दो तीन दिन की बात है, बस खा लो पी लो। तो यहाँ हम किचन में सब्जी वगैरह काट कर आ गए हैं, धूप भी दिए, आटा भी गूंथ लिए हैं, ये सबको एप्पल काट के दिए हैं। और यहाँ मैं कुकर में गोभी को फ्राई कर रही हूँ। खाना पीना बनाकर हम मिलते हैं। भूख लगी है, काट के दूँ सेब? हाँ सेब काट के दूँ। चलिए बने रही गाइस। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं हम खाना बना रहे हैं, पराठा और गोभी की भुजिया। और बनाएंगे फिर बच्चे खाएंगे, सब लोग खाएंगे। और रात का भी गोभी का भुजिया बना था तो बचा था, तो कहते हैं जो प्रेगनेंसी में लेडीज होती हैं बासी खाना खाते हैं तो बच्चों का बालों का ग्रोथ अच्छा होता है। तो रोटी सब्जी था तो किसी का नाश्ता कर ली है, खा ली भी हैं। और यहाँ हम फिर दोपहर के लिए बना रहे हैं गोभी का भुजिया और पराठा। यही खाना बना सकते हैं क्योंकि तेल मसाला वाला नहीं यूज़ कर सकते हैं, हल्दी नहीं यूज़ कर सकते हैं, कढ़ाई भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल से खाना बना रहे हैं, कुकर में सब्जी छौंक दिए हैं। और कल किट्टो के ब्लॉग में देखे थे, कुछ लोग कमेंट किए थे कि दोनों बहनों का खाना अलग बनता है और वंदना जी आटा नहीं गूंथ सकती हैं, अम्मी दादा गूंथ रहे हैं। तो उनका पराठा खाने का मन था, तो रात को उसमें 11:30 बज रहा था। तो होता ना कभी कभी इंसान को रात को भूख लग जाती है तो कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग पहले ही सब सो गए थे, थके थे, दिवाली का नेक्स्ट वाला डे था जिस दिन चंद्र ग्रहण लगा था। उस दिन मैंने दिन में कभी चावल वगैरह बनाए थे, बच्चा भी था सब लोग खाए भी थे, एक्स्ट्रा भी बना लिए थे। बहुत आवाज़ आ रहा है गाइस, इतना बगल में जो ये सब है ना वेल्डिंग वाले, इतना शोर होता है, इतना शोर कर रहे हैं, पूछिए पूछो मत पूछो, क्या बोलते हैं पूछो मत पूछो। तो कल चाय बचा था तो और हम फिर फैमिली वगैरह चाय बना दिए थे, वो लोग भी चाय पिए थे, लेकिन उनको रात को भूख लग रही थी तो आज की रात में बनाया थी पराठा। और रही बात खाना बनाने का, अलग अलग हम लोग का खाना अलग नहीं बनता है, इतनी बार बता चुके हैं। अभी हमारा भी तबीयत डाउन रहता है तो उस कर लेती हैं, तो अपना दिखाती तो लोगों को लगता है कि अलग खाना बन रहा है। हम करते हैं, अगर वो खाना बना लेते हैं तो उनको लोगों को लगता है कि खाना अलग बना रहे हैं, हम बनाते हैं तो लोगों को नहीं लगता कि खाना अलग बना रहे हैं। ऐसा क्यों आप लोग सोचते हैं? जिस दिन बनेगा ना उस दिन बता देंगे, बनेगा क्या एक महीने बाद बनेगा ही, अब हम बता रहे हैं हाँ एक महीने बाद बनेगा। वो अपने नए घर में चली जाएंगी, वो अपना वहाँ बनाएंगे, हम अपना यहाँ बनाएंगे। तो यही सब बातें हैं, जिसको जो सोचना है सोचिए, अलग नहीं बनता है खाना। चलिए हम बना लेते हैं फिर मिलते हैं। तो खाना पीना खाकर आराम कर रहे हैं और थोड़ा ठंडा मौसम की वजह से कोल्ड हो गया है, सर में दर्द हो रहा है। और गाइस मैंने अभी ब्लॉग जब एडिट कर रहे थे थोड़ा सा मैंने यूट्यूब पे गई तो हम ऐसे एक और आ गया कि ये लोगों का खाना अलग तो बन रहा है, साथ में बर्तन भी अलग हो गया है। यार माता जी निकली हैं, कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते हैं और खाना स्पाइसी नहीं बना सकते हैं। इसका जो सादा खाना खाने का मन है वही बन रहा है, कुछ बर्तन सर्तन अलग नहीं हुआ है। पापड़ी आप लोग कितना नोटिस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कढ़ाई में बना रहे हैं, वो बैगुना बना रहे हैं, ये सब क्या है? मैंने देखो कुछ सब्जी भी कुकर में ही बनाया, कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते हैं। तो ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं, थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।